ये तस्वीर है आयुष और पीयूष की। आयुष सिर्फ 4 साल का था और पीयूष लगभग 1.5 साल का था। दोनों यादव परिवार के तारे थे और अपने माँ के कलेजे के टुकड़े। आज सभी जगह रोशनाई है, मगर यादव परिवार के घर में मातम छाया हुआ है। दोनों मासूम बच्चे बिजली का करंट लगने से मौत के गाल में समा गए। बिजली के जिंदा तार इस लोखंड के सीढ़ी के संपर्क में आई और बच्चे खेलते खेलते इससे चिपक गए। बच्चे की काफ़ी देर आवाज़ न सुनने पर माँ बाहर घर के देखने आई तो उसका कलेजा फट गया। दोनों मासूम बच्चे ज़मीन पर चित पड़े थे। उन्हें देखकर माँ ने पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें अस्पताल ले गए, मगर अफसोस कि उनकी रूह तब तक कब्ज हो चुकी थी। इस हादसे पर आयुष पीयूष के रिश्तेदार ने टैंकर वालों को दोषी माना है, जिसके वजह से बिजली की तार टूट गई और वो लोखंड के सीढ़ी पर गिरी। मुझे बताया ना क्या हुआ था उन बच्चों के साथ, दोनों के साथ क्या हादसा हुआ? वो बच्चे जैसे सुबह उठे अपनी मम्मी के साथ चाय पिए, नहाए खाए, इधर से फिर उधर गए, उधर हम लोग पीछे रहते हैं, उधर गए तो उधर बच्चे साथ खेले, फिर वो लोग इधर आए, मेरे भैया के रहते हैं उनके साथ में आए तो बोले कि पटाखा चाहिए मेरे को, बोले चल तुम लोग को दिला देता हूँ इधर मराठी दुकान उसमें, तो इतने ही में लोग इधर आए तो बोले कि तो लाइट का जो करंट दौड़ा किस तरह से दौड़ा, क्या हुआ था? उधर टैंकर गया बड़ा वाला तो वायर उधर टूट गया, वायर टूट गया तो छत पे करंट उतर गया, उतर गया। उसकी वजह से ये लोग पहचान नहीं पाए कि सीढ़ी में भी लाइट है, तो बच्चे इधर से गए संडास करने के लिए, वो खेलते छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग उसमें चपक गए, चपक गए तो उसका अंगूठा उस सीढ़ी में आ गया और उसका मुंडी जो है नाले में चला गया, नाले में चला गया तो पानी पा गया उसको, वो बड़ा वाला जो था उसको खींचने के लिए गया तो उसका सर वो सीढ़ी पे लड़ गया तो ऐसे गिर गया, दोनों उधर ही गिरे पड़े थे। 10 मिनट बाद उसकी माँ गई तो देखी तो बच्चे लोग मुंह से गजर फेंक दिए, उतने में खींच के उठा के ले गई, इसको भी लाइट मार दी, मेरे को तो झटक दिए। नाम था दोनों बच्चों का आपके? आयुष यादव, पीयूष यादव। कितने कितने साल के थे दोनों? 1.5 साल का, 2.5 साल का था। जब आप यहाँ पे थे तभी आप उनके साथ थे क्या यहाँ पे जब हादसा हुआ तब? नहीं था मैं। कितनी देर के बाद आपको पता चला कि ये? मैं इतनी निश्चित था दुकान पे, उधर लोग दौड़ते दोनों बच्चों को लेके गए तो मैं वहाँ से देखा तो मैं बोला कैसा से एक बच्चे को लेके गए तो मैं सोचा लगता कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, यहाँ देखा तो दोनों बच्चों को देखा तो वहाँ देखा दोनों बच्चे मेरे ही है। उसको मम्मी पूछा मैं क्या हुआ, बोलती है वो दर्द खिड़की जाले में जाके लटक गए दोनों सीढ़ी में। सीढ़ी में जो हुआ है तो गलत तो हुआ ही है। अभी मैंने MSCB वालों से भी बात किया है, मैं कॉरपोरेशन से भी करूंगा, अब इसका क्या हल निकलने को मेरे ध्यान में है वो हम लोग करेंगे, हमारे तरफ से उनको जो भी मदद होगी वो हम लोग करेंगे। सर इसी तरह के हादसे और ना हो इसके लिए क्या आप यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, ऐसी लापरवाही जब बढ़ती जाती है MSCB ध्यान नहीं देती तो क्या करेंगे? उसके लिए मेरी MSCB वालों से बहुत पहले बात हो चुकी है और मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड लाइन करने की कोशिश में हूँ और ये जो 12-13 जो सर्विस वायर निकाले उसके लिए भी मैंने वो एक बॉक्स बनाने को बोला है, वो भी लोगों का भी साथ मिलना चाहिए, लोगों ने भी इसमें साथ देना चाहिए। सर लोगों का यहाँ पे कहना है कि ये जो हादसा हुआ ये पूरी लापरवाही यहाँ पे जो कहीं पे चाल माफिया है उनका जो डंपर आया था उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये कोई कुछ भी बोले, ये पहली बात तो ये है, ये एक घर वाले को मालूम है उसने लाइन कहाँ से ली थी, लापरवाही जो घर की सीढ़ी बना है वो इलीगल है और उसको मालूम है कि उसने कहाँ से लाइन ली थी, वो बताते नहीं है, वो तो बताएंगे क्या कहा जाएंगे, उसको बताना ही है कोई भी हालत में।
मेरा छोटा वाला लाल का मेरा छोटा वाला लाल बैठने गया मेरा लाल ऐसा सो गया ये पर भी लेके आऊं मेरा लाल ऐसा सो गया मेरे को क्या लगता है मेरा भैया सीट पर बैठ गया तो उधर ही बैठ के खाओ खाता था ना मैं के अपने बड़े भाई चार वर्षीय पीयूष को बचाने के लिए डेढ़ वर्षीय छोटा भाई आयुष सामने आया लेकिन वो भी बिजली की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। तुरंत पुलिस ने एक्सीडेंटल रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया है मगर अभी भी एक सवाल जहन में है कि इन दोनों भाइयों की मौत का जिम्मेदार कौन है।